पिस्टल और पेंट की हेल्प से स्काई का सीन बनाया है। उसके बाद ये ग्लास मार्किंग है, ये चारकोल बेस है। कब बनाया, कितने साल हो गए? अबाउट 1 ईयर पहले बनाया था ये। और ये वाले सब थोड़े सबसे स्टार्टिंग में जो बनाए थे आर्टवर्क्स वो है। उसके बाद ये वाला 3 शीट्स को मिला के एक बनता है, और ये सॉफ्ट पिस्टल और पेंट्स की हेल्प से बनाया है। माई नेम इज़ शौर्या गर्ग एंड आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे आर्टोग्राफी स्टूडियो में 1 ईयर हो गया मुझे यहाँ पे आते हुए। और ये वाला 2-पॉइंट पर्सपेक्टिव है, और ये वाला 1-पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये वाला भी 2-पॉइंट पर्सपेक्टिव है। उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट स्टडी है थोड़ा सा। उसके बाद ये ऑयल पेस्टल है, कंप्लीट ऑयल पेस्टल। फिर ये थोड़ा सा मिक्स मीडिया आर्ट टाइप ऑफ है, न्यूज़पेपर बेस पे। न्यूज़पेपर पे पेस्ट करके ये बनाया, ये पोस्टर कलर लगाया। यस। उसके बाद ये कलर पेंसिल्स है। फिर ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है फॉर्म, और ये एक बर्ड का सीन है स्कूल के, उसके लिए बनाया था मैंने। उसके बाद ये वो स्क्वायर्स के अंदर हमने डूडल सा कुछ करा है, तो डूडल आर्ट टाइप ऑफ है। उसके बाद एक गणेश जी का हमने बनाया है, ये कृष्ण जी की ड्राइंग बनाई है। उसके बाद ये वाले सब, उसके बाद हमने ये बनाया था, सॉफ्ट पेस्टल है ये पूरा। फिर ये कैनवस बनाया था हमने। ये किस पर बनाते कैनवस? ये कैनवस के बोर्ड पे एक्रेलिक पेंट से बनाया है पूरा। कैनवस साइज 18x24 inches है। यस। उसके बाद ये वाले सब हमने मैंने कॉम्पिटिशन्स के लिए बनाए थे, तो ये कोरोना वायरस अभी जो हमारा पेंडेमिक चल रहा है उसको डिपिक्ट करते हुए बनाया है। उसके बाद ये वोल्डी आर्ट का एक फॉर्म है, ये हमारा एक स्कूल का कंपटीशन था क्षितिज का, उसके लिए हमने मैंने ये बनाया था। जब मैं यहाँ पे शुरू में आया था तब मैंने बेसिक टेक्निक सीखी थी, ऑयल पेस्टल और ग्लास मार्किंग की। उसके बाद जैसे एक मेरे से फ्री हैंड ड्राइंग मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मतलब स्केल से बनाता था मैं ज़्यादातर, तो उसके लिए मैंने करा कि विदाउट स्केल हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग कैसे बना पाते हैं। उसके बाद और डिटेल के अंदर ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल जैसे मीडियम्स पे आया था, चारकोल, और फिर यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स की जो स्कूल से एंट्रीज जानी थी उसके लिए भी मैंने यहाँ पे बहुत कुछ बनाया था। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का फॉर्म है। उसके बाद ये वाला एक सी लाइफ का है कि सी के अंदर एनिमल्स कैसे रहते हैं उसको बताते हुए करा है। फिर ये मेजर जनरल इयान कार्डोजो है, ये वॉर के अंदर थे और इनका पैर कट गया था और ये तब भी वॉर लड़ रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक कॉम्पिटिशन के लिए बनाया था। फिर ये एक और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का फॉर्म है। मैं अभी डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूँ, उसके अंदर काफ़ी जैसे डूडल वगैरह जैसी चीज़ें डिटेल में मैंने सीखी है। इस वाले कंपटीशन में जीता था इयान कार्डोजो में, इसके अंदर 2nd प्राइज मिला था मुझे। स्कूल में था ये कंपटीशन, कहाँ था ये? नेशनल कंपटीशन था। और बाकी सब के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स और वैसे स्कूल से अप्रिसिएशन मिली थी। इसके अंदर भी वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर्स, बहुत सारी टेक्निक सीखी थी यहाँ पे। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छी, मतलब डिफरेंट टेक्निक सीखी मैंने यहाँ पे आके जो मुझे नहीं पता थी पहले। जब मैंने शुरू करी थी तब मेरे से उतनी अच्छी ड्राइंग्स भी नहीं बनती थी, मतलब कलर्स इधर उधर हो जाते थे मेरे, मिक्स होते रहते थे और उतने अच्छे से मुझे नहीं आता था। पर जब यहाँ पे आया तो मैंने जब सीखा अच्छे से तो अब वो प्रॉब्लम नहीं होती, अब मैं ठीक से बना पाता हूँ और समझ पाता हूँ कि कहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए।